नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा से विकास नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रहरी, तेजस्विनी और युवा जैसी योजनाओं के तहत जिन लोगों ने बेहतरीन काम कर दिल्ली पुलिस की सहायता की है उन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को संदेश देकर जागरूक करने की भी कोशिश की गई। राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के पीतमपुरा इलाके में सुरक्षा से विकास नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तरी पश्चिमी जिले के सभी थाने के SHO मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि समाज के 2% लोग ही सामाजिक व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों पर नियंत्रण के लिए हम समाज के 98% लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है और पुलिस को लेकर उनके मन के भय का समाप्त करना है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब घर परिवार समाज के कोई आपात स्थिति पैदा होती है, हम सबसे पहले मदद के लिए पुलिस को ही याद करते हैं, जिसका प्रमाण हमने कोविड काल में देखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए, कोरोना संक्रमितों के लिए दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर शमशान घाट तक हर संभव मदद पहुंचाई है। कार्यक्रम के दौरान बीते दिनों में जिन लोगों ने युवा प्रहरी और तेजस्विनी जैसी योजनाओं के जरिए अपराध पर लगाम लगाने में दिल्ली पुलिस का सहयोग किया है, उन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़कर इस तरीके की योजनाओं में हिस्सा ले और आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज।